बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स की बात कर रहे थे और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है SFD एंड BMD। तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स को थोड़ा सा एडवांस डायरेक्शन में लेके चलते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम रिएक्शन को फाइंड करना सीख चुके हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर दो रिएक्शंस लगी हो, एक लोड गिवन हो, तो उसकी रिएक्शंस दोनों किस प्रकार से फाइंड करते हैं। हिंज सपोर्ट के लिए और रोलर सपोर्ट के लिए हम रिएक्शन निकालना सीख चुके हैं। चूँकि मैकेनिकल स्टूडेंट्स और सिविल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए SFD और BMD सबसे इम्पोर्टेंट की रोल निभाते हैं और ये मैकेनिक्स से स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये क्या एडवांस मैकेनिक्स का भाग है, मैकेनिक्स के सिलेबस में SFD BMD नहीं होते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो SFD और BMD का रोल होता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम कोई सी भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे RTU BTU या फिर BTR डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में ये सबसे इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक बीम लेकर, क्योंकि हमको पता है कि टाइप ऑफ बीम्स और हमने पढ़ा है लोडिंग के बारे में, सपोर्ट्स के बारे में, सब कुछ हमको पता है पहले से, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं बीम क्या होता है और मैं पिछले दो वीडियोस में आपको बीम्स के बारे में बता चुका हूँ कि बीम्स एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। अगर चूँकि पिछले वीडियोस में तो हमने एक लाइन से बात की थी कि लाइन ड्रॉ की थी, अगर मैं इसको इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर शेप बनाऊँ इसकी और इसको मान के चलूँ कि ये बीम है, तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर। और इस बीम की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, मतलब जो लीनियर डायरेक्शन है, वो ज़्यादा होती है बजाय ट्रांसवर्स डायरेक्शन की। मतलब ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायमेंशन जो है वो तो छोटी है और ये वाली डायमेंशन इसकी जो लेंथ है वो इसकी बड़ी है। मीन्स हम ये कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन मीन्स इसकी लेंथ हो गई, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और जो इसकी थिकनेस हो गई जिसको हम D से या T से डिनोट करते हैं, जो कि ट्रांसवर्स डायमेंशन है, वो इसकी इसके कंपेरिजन में कम है। ये बीम की बात होगी। अब चूँकि बीम है उस पर एक्सटर्नल फोर्सेज, एक सिस्टम ऑफ फोर्स या सिस्टम ऑफ लोड सप्लाई होता है और ये वेरी करता है पूरे थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बीम है इस पर लोडिंग होती है अलोंग द लेंथ। सपोज कीजिए अगर मैंने पॉइंट लोड लगाया यहाँ पर, अगर मैं पॉइंट लोड की जगह एक UDL लगा देता इस प्रकार से, तो थ्रू आउट द लेंथ इसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक पॉइंट लोड ही रहने देता हूँ यहाँ पर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीम है और बीम के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस का एक सिस्टम लगा हुआ है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स एंड कपल्स, इसके अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स डेवलप होते हैं, और डिजाइन को जब हम कंसिडर करते हैं या हम बीम्स की डिजाइन करते हैं तो उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कंसिडर करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम SFD और BMD दोनों को देखेंगे, किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनके डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर उस क्वेश्चन की रिएक्शन से को सॉल्व करके हम SFD BMD ड्रॉ करेंगे। यहाँ साइड में ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम पर पॉइंट्स A और B, यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है जिसको हमने कहा है कितनी न्यूटन का है, 30 kN, 20 kN, 10 kN। ये 30 kN का है, फिर यहाँ पर 20 kN का लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है 10 kN का, ठीक है। A, B और इनको हमने डिनोट कर दिया CDE से। इसकी डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 2 मीटर और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर, ठीक है। इसको हमने डिनोट कर दिया C से, ये D से और ये E से। अब जैसे ही आपके पास में इस टाइप का कोई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप इसकी रिएक्शंस 2 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। किस प्रकार से, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। सो रिएक्शन आर ए पॉइंट पर हम मानते हैं आर ए और इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर मानते हैं आर बी, तो हमको पता है इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ आर ए एंड आर बी शुड बी इक्वल्स टू 30 + 20 + 10, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज शुड बी 0, सिग्मा एफ शुड बी 0। इसका मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 30 + 20 + 10, मैं ऐसे लिख दूँ, ये टोटल हो गया 60। अब हमको क्या करना होता है,
हमको मोमेंट लेना होता है अबाउट पॉइंटेज, तो हम कहेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। बी के अबाउट भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया, आर ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई, 30 किलोमीटर के लिए बात करते हैं तो 1 मीटर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 30 × 1। आगे चलेंगे, 20 किलोमीटर का लोड है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, परपेंडिकुलर लेंथ 3 मीटर, तो प्लस 20 × 3। उसके बाद में आगे चलेंगे, 10 किलोमीटर का टोटल डायमेंशन कितनी है, 2 + 2 + 1 = 5, देन 10 × 5। उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी रिएक्शन लगी हुई है जो कि एंटी क्लॉकवाइज में है, मतलब माइनस का साइन आएगा, आर बी इंटू, और टोटल डायमेंशन 2 + 2 + 2 = 6 + 1 = 7 = 0। यही तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे, 30 + 20 × 360 + 10 × 5 = 50 = डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, आर बी इंटू 7 90 + 50 = 140 हो गया, तो आर बी की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से 140/7, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। और इस आर बी की वैल्यू को जो हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, आर ए प्लस आर बी, आर बी इज इक्वल टू 60, यहाँ से हमको पता है आर बी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन आ गई, आर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि दोनों रिएक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सपोज कीजिए ये जो बीम है इसको मैं एक आर्बिट्री सेक्शन से, मतलब मान लीजिए इसका जो मिड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस है, 1 + 2 = 3, और यहाँ से 1 मीटर, फिर 4 मीटर की डिस्टेंस है फ्रॉम ए, इसको मैं कटआउट कर देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ इस प्रकार से, ये एक्स एक्स, ठीक है, ये एक सेक्शन है और यहाँ से मैं इसको काटता हूँ और इसको अलग से ड्रॉ करता हूँ, ये हो गई आर ए, 1 मीटर डिस्टेंस पे 30 किलो न्यूटन, उसके बाद में 20 किलो न्यूटन, और उसके बाद में ये पॉइंट है, ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ से हमने काट दिया था, इस सेक्शन पर, सेक्शन पर ही ये एक्स एक्स सेक्शन है और यहाँ पर ही हमने दूसरा सेक्शन, मतलब जो राइटवर्ड सेक्शन है इसका, ये ड्रॉ कर दिया, ये आर बी हो गया और 1 मीटर की डिस्टेंस पर 10 किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ये 1 मीटर। अब जैसे ही हमने यहाँ से कटआउट किया तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम में है अभी भी, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इनके जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स हैं फोर्सेज के, वो हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट पोर्शन माने और इसको राइट पोर्शन माने, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेफ्ट पोर्शन पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक रिएक्शन फोर्स है आर ए, 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन, तो हम कहेंगे सिग्मा एफ वी इज इक्वल टू 0। यही तो हमने कहा था वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसका मतलब आर ए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस का लेते हैं हम साइन, प्लस आर ए की वैल्यू हमको पता है 40 किलो न्यूटन हो चुकी है, तो डायरेक्टली मैं -40 लिख देता हूँ, -40 प्लस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं कहता हूँ 30 + 20 इज इक्वल टू, ये माइनस का है, ये 50 है, तो हमारे पास में +10 किलो न्यूटन आ गया, और +10 किलो न्यूटन का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब नीचे की दिशा में डाउन, ठीक है, नीचे की दिशा में, मतलब ये वाला फोर्स आ गया 10 किलो न्यूटन का यहाँ पर, ठीक है। जब हम राइटवर्ड सेक्शन की बात करते हैं, वर्टिकल यहाँ पर लेफ्ट और लिख देता हूँ, ठीक है ना, सिग्मा एफ ऑफ वी मीन्स राइट वर्ड जो सेक्शन है उसके लिए, राइट वर्ड में केवल 2 फोर्सेज लगे हुए हैं, एक 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड्स और आर बी जो है 20 किलो न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा 10 माइनस आर बी कितना है, आर बी की वैल्यू हम 20 किलो न्यूटन फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये 10 और ये माइनस का 20, मतलब -10 आ गया, -10 किलो न्यूटन, और ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में -10 किलो न्यूटन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, ये यहाँ पर आ गया अपवर्ड डायरेक्शन -10 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये जो 10 किलोमीटर का फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में,
ये क्या करेगा, इस बीम को सीयर ऑफ करने की कोशिश करेगा। मतलब इस प्रकार से मान लीजिए चौक है, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ खींचेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा और ये शेयर ऑफ हो जाएगा इस प्रकार से। फिलहाल तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, जैसे ही एक भी फोर्स थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ ये शेयर ऑफ हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा एक तरह से। तो हम इसकी शेयर फोर्स के लिए कह सकते हैं कि शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इन अ बीम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ बी सेक्शन इन अ बीम, इन अ बीम इज द फोर्स, इज द फोर्स विच इज ट्राइंग टू, trying to shear off the section। अच्छा आता कहाँ से है ये, कैसे find out करेंगे? तो इनका जो forces का जो algebraic sum होगा वो algebraic sum को हमको देगा shear force की value, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं it comes from algebraic sum of all forces acting नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ बीम। ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पर जो भी नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लगे हुए हैं उनका एल्जेब्रिक सम है, वो हमको शियर फोर्स की वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से ही शियर फोर्स आएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अब इसी सेक्शन के अंदर जैसे हम मोमेंट की बात करते हैं, हमने एक मोमेंट लिया पॉइंट ए के अबाउट, उसी प्रकार इन दोनों सेक्शंस में इस एक्स एक्स प्लेन जो है हमने कट आउट किया है इसके अबाउट इन दोनों सेक्शंस का मोमेंट लेते हैं हम, और फिर यहां से मिटा देता हूं मैं। अब आर ए और आर बी की वैल्यू आ चुकी है, आर ए की वैल्यू हमारे पास में है 40 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू हमारे पास में है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है। अब जैसे हम मोमेंट्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है कंसिडर करते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से शुरू करते हैं तो माइनस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर। उसके बाद 30 किलो न्यूटन का है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, माइनस 30 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2+1 3 मीटर। उसके बाद में जो आर ए है, अब देखिए ये बन गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस 40, आर ए की वैल्यू कितनी थी 40 किलो न्यूटन इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4, should be equals to 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस 20 माइनस 90 प्लस 4 4 जा 16 160 is equals to 0। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 50 किलो न्यूटन मीटर। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम है जब हम राइटवर्ड सेक्शन की बात करते हैं, वही टेकिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ लेफ्टवर्ड सेक्शन, अब हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ राइट सेक्शन। तो कितने फोर्सेज लगे हुए हैं, 2 फोर्सेज लगे हुए हैं, 10 किलो न्यूटन, डिस्टेंस है 1 मीटर, कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 10 into 1, उसके बाद में आर वी की वैल्यू 20, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, माइनस 20 इंटू टोटल डिस्टेंस है 3, यहाँ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास में आ गया 10 माइनस 60 इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस 50 किलो न्यूटन मीटर। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से भी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दो फोर्सेज आए थे हमारे पास में सिग्मा एफ, रिजल्टेंट जो फोर्स आए थे वो 10 किलो न्यूटन और 10 माइनस 10 किलो न्यूटन, मीन्स इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस, साइन तो अपोजिट था,
यहाँ पर भी देखो 50 किलोन्यूटन मीटर ये माइनस का है, इसका मतलब इक्वल तो है बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये जो मोमेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मोमेंट है 50 किलोन्यूटन का, ये इस बीम को बेंड करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस सेक्शन में बात करूं तो इस सेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया था, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में। अगर इसमें बात करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ। तो ये इस तरफ इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, इसको कहते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इज अ मोमेंट एट अ सेक्शन इन अ बीम इज द मोमेंट दैट टेंड टू बेंड द बीम एंड इज ऑब्टेंड। अब कैसे आएगा, जितने भी हमने मोमेंट्स थे, जितने भी फोर्सेस थे, उनका मोमेंट लिया सबसे पहले और उनका एलजेब्रिक सम कर दिया, तो हम कह सकते हैं इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सम ऑफ मोमेंट्स, या हम कह सकते हैं एलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेक्शन। ये बात हो गई शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। अब बात करते हैं साइन कन्वर्जन की। भाई साइन कन्वर्जन में जैसे मान लीजिए कोई कैंटिलीवर है, इस प्रकार से जेफ एक्ट कर रहा है, ये कैंटिलीवर है, तो ये क्या करेगा, इसको इस प्रकार से बेंड करने को, सॉरी इस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर कोई दूसरा फोर्स है वो इस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा, ये इस प्रकार से करेगा और ऊपर वाला फोर्स है वो इस प्रकार से करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ इसको, अब ये यहाँ पर लिखेगा ये 40 है किलोन्यूटन और ये 20 किलोन्यूटन। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेंगे, या एक कैंटिलीवर से शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं साइन कन्वर्जन की। दोस्तों जब भी शियर फोर्स की बात करेंगे तो उसको हम SF लिखेंगे, शियर फोर्स, और जब डायग्राम बनाएंगे तो SFD, और जब भी बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो उसको हम बेंडिंग मोमेंट BM लिखते हैं, और डायग्राम की बात करेंगे तो BMD, इस प्रकार से बात करते हैं। सपोज हमने कोई सेक्शन, अभी जैसे हमने सेक्शन कट आउट किया था XX प्लेन पर, ठीक है, अगर उसके लेफ्टवर्ड सेक्शन में जो है एलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज वो ट्राई करता है अपवर्ड साइड में, और राइटवर्ड सेक्शन में डाउनवर्ड साइड में हम लेते हैं, तो यहाँ पर तो हम लेंगे पॉजिटिव से पॉजिटिव शियर फोर्स। लेकिन इस डायरेक्शन में या इस साइड में, या हम कहें कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे और राइटवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में रहें, तो इसको हम लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार से जब बेंडिंग मोमेंट की, ये तो हो गई SFD की, ठीक है ना, शियर फोर्स की बात हो गई। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट में ध्यान रखेंगे दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है सैगिंग और दूसरी होती है हॉगिंग, ठीक है। सैगिंग का मतलब देखिए कि जब भी कोई बीम, सपोज ये एक बीम है, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है इस प्रकार से, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा, तो बेंड इस टाइप से होगा, ये बेंड किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, मतलब ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये जो इसका जो कर्वेचर आएगा, ठीक है ना, ये कॉनकेव टाइप का आएगा, और कॉनकेव किस साइड में रहेगा, अपवर्ड साइड में, ऊपर की साइड से एक गुफा टाइप की रहेगी, कॉनकेव रहेगा, तो ये मैं कहता हूँ कॉनकेव अपवर्ड्स। फोर्स कहाँ से लगा हुआ है, कोई कैंटिलीवर मान लीजिए या कोई सा भी बीम है, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है वो इस बीम को अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से बेंड करने की कोशिश करेगा, इसको हम बोलते हैं सैगिंग। इसको क्या बोलते हैं, सैगिंग, ठीक है। और इसके लिए जो साइन आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, हम कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन। जस्ट इसके ऑपोजिट हॉगिंग हो गया। हॉगिंग का मतलब हो गया कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कोई ऊपर से फोर्स लगा हुआ है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स फोर्स, वो इस बीम को, मतलब मान लीजिए कि ये इस प्रकार से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार से बेंड होगा, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो गया,
कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, और इसको बोलते हैं हॉगिंग। ऊपर वाले को बोलते थे सैगिंग, नीचे वाले को बोलेंगे हॉगिंग। एक बार वापस देख लीजिए, शियर फोर्स के साइंस के लिए, शियर फोर्स में साइन कन्वर्जन करते हैं तो हमको पता है, सपोज ये कैंटिलीवर है, इस कैंटिलीवर पर एक फ्री एंड पर एक फोर्स लगा हुआ है W, या लोड लगा हुआ है W, फोर्स को F से डिनोट कर सकते हैं। अगर लेंथ L है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो W है, अब इसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, W ही होगा। इसका मतलब इसके लिए शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, W, और ये थ्रू आउट वर्क करेगा, वेरी नहीं करेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले एक हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अगर इस एक्सिस पर मान लीजिए मैं कटआउट करता हूँ इस कोई से भी सेक्शन को, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक्स एक्स सेक्शन बना दिया। लेफ्ट वर्ड सेक्शन यदि ऊपर की तरफ रहना चाह रहा है और राइट वर्ड सेक्शन है वो नीचे की तरफ रहना चाह रहा है, तो हम कहेंगे ये साइन होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम कहें कि लेफ्ट वर्ड सेक्शन है वो नीचे की तरफ रहना चाह रहा है इस एक्सिस के, और राइट वर्ड सेक्शन है वो ऊपर की तरफ रहना चाह रहा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये साइन कन्वर्जन था। बेंडिंग मोमेंट के केस में सपोज, अब देखिए ये जो फोर्स लगा हुआ है, तो अब मुझे बताइए, आप खुद यहाँ से देखिए कि यहाँ पर इस बीम के केस में क्या होगा, इस बीम के केस में होगी या सैगिंग होगी। तो जब आप देखोगे यहाँ से एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, तो यहाँ पर कौन सी सर्फेस बन रही है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये होगी हॉगिंग, ठीक है ना। इसके लिए कौन सी चीज़ कंसिडर करेंगे, हॉगिंग। अब हम कैंटिलीवर की, अब बेंडिंग एसएफडी बीएमडी की बात करते हैं, तो एसएफडी बीएमडी के ऊपर चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं या कॉन्सेप्ट देखते हैं एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, एट द फ्री एंड, ठीक है। ये हम बात करते हैं कैंटिलीवर के केस में। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक कैंटिलीवर। सपोज मैंने यहाँ से ये कैंटिलीवर ड्रॉ कर दिया, इसके फ्री एंड पर एक लोड लगा दिया, हमने जैसे लिखा हुआ है कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने W कंसिडर कर दिया। इसकी लेंथ है L, गौर से समझना, L है। अब हमने इस कैंटिलीवर को सपोज कीजिए फ्री एंड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x डिस्टेंस पर हमने इसको कटआउट कर दिया, और ये जो प्लेन है वो x प्लेन जो हो गया, ठीक है। अब कैंटिलीवर के केस में सबसे पहले तो हम देखेंगे शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स क्या होगा। तो दोस्तों शियर फोर्स की जब हम वैल्यू देखते हैं, जैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले शियर फोर्स का साइन कन्वर्जन देखा था, तो साइन कन्वर्जन में कि हमने कोई सेक्शन कट आउट किया है तो उसके अगर लेफ्ट वर्ड अपवर डायरेक्शन में है, मतलब बाई साइड में अगर ऊपर की तरफ है और दाई साइड में नीचे की तरफ है, तो हम पॉजिटिव लेते थे। इस प्रकार से हमने देखा था, ये सेक्शन था एक्स एक्स मान के चलना, अगर ये वाला सेक्शन ऊपर है और ये वाला सेक्शन नीचे है, नीचे कब होगा, जब यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा इस बीम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते थे पॉजिटिव। लेकिन दूसरे केस में इस प्रकार से होता था, जो नेगेटिव लेते थे। अगर मैं इसी डायग्राम को जस्ट ऐसा करके बना देता, यहाँ से सेक्शन कटआउट कर देता एक्स डिस्टेंस पर, ये कैंटिलीवर है, तो आप देखोगे कि इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइन आया था शियर फोर्स का। लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा शियर फोर्स के केस में, तो ठीक है, क्योंकि राइट वर्ड डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो शियर फोर्स के लिए हम कहेंगे शियर फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। पहली कंडीशन तो है कि शियर फोर्स है वो पॉजिटिव है, क्योंकि
जो राइट सेगमेंट है बीम का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हमको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और दूसरी, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी थ्रू आउट, ठीक है ना। दूसरी क्या है, सेकेंड, इट्स वैल्यू इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। अब क्यों रहेगी, क्योंकि ये तो पॉइंट लोड है, ठीक है ना, ये UDL नहीं है, मतलब ये जो लोड है वो लेंथ के साथ में, लेंथ के अलोंग वेरी नहीं कर रहा है, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, एक पॉइंट लोड है, इस वजह से इस शेयर फोर्स की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, BM लिखता हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट। अब सपोज कीजिए इस सेक्शन के अबाउट आप W into इसके अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं इस फोर्स का, तो W into x, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, W into x, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जैसे ही हम हॉगिंग और सेगिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यदि हम साइन कन्वर्जन देखते हैं, तो साइन कन्वर्जन में आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि यदि फोर्स यहाँ से इस टाइप से हो और ये क्या कर रहा है, इसको हॉग, मतलब ये बीम को इस टाइप से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कॉनकेव सरफेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, इसका मतलब ये जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। फिर दूसरा, ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट, मतलब अगर हम इस पूरे बीम की बात करें तो इस पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है ना, अभी तक तो हमने इस सेक्शन की बात की थी जहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, लेकिन अगर पूरे बीम की बात करें तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l, तो हम इसका बेंडिंग मोमेंट देखेंगे W into परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, तो WL इसका बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो बेंडिंग मोमेंट है वो अलोंग द लेंथ वेरी कर रहा है, मतलब यदि हम x की वैल्यू 0 मानेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, और जब बेंडिंग x की वैल्यू l मानेंगे, मतलब जो लेंथ है वो टोटल लेंथ लेंगे l, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी W into L, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्जन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, W into, इसके लिए मान के चलते हैं W into x, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखते हैं, इट इज एक्टेड अलोंग द लेंथ, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इट्स वैल्यू वेरीज अलोंग द लेंथ, ठीक है। फिर हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी 0 रहेगी। जब हम कहेंगे x की वैल्यू l है, मतलब टोटल लेंथ ले लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, W into L, स्मॉल l ले लेता हूँ, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ होगा, साइन कन्वर्जन को देखेंगे, तो सबसे पहले तो इस प्रकार से हम पैरल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद में एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स के लिए। अब चूंकि यहाँ तो कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, और वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी W, कॉन्स्टेंट रहेगा W, और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन, मतलब ऊपर की साइड बनेगा, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की साइड, तो W है तो W का W हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये कैसा है, पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू कितनी है, W है, तो ये तो हो गया इसका शियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद में वापस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब हमको ये WL नोट करना है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर 0 रहेगा। लेकिन जब x की वैल्यू l है, l टोटल लेंथ यहाँ तक है, तो बेंडिंग मोमेंट हो गया W into L, लेकिन साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव साइन, -WL रहेगा। -WL क्यों रहेगा, क्योंकि कैसी कंडीशन है, हॉगिंग की कंडीशन है, वर्टिकली हम कह सकते हैं इस प्रकार से बेंड हो रहा है, ठीक है ना, कॉनकेव सरफेस डाउनवर्ड से, तो हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे की साइड पे ड्रॉ करेंगे। और ये वेरी कैसे कर रहा है, एक्टिंग अलोंग द लेंथ, यहाँ पर कह सकते हैं लीनियरली हम कह सकते हैं, तो केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन आएगी कैंटीलीवर के लिए जब पॉइंट लोड की कंडीशन में, तो ये हो गया नेगेटिव।
और इसको हम लिख दिया WL। तो दोस्तों ये था एक कैंटिलीवर के लिए SFD और BMD, इसको बोलते हैं SFD और इसको बोलते हैं BMD। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक UDL होता तो ये जहाँ हमने ये लीनियर बनाया है, ये लीनियर नहीं होकर कैसा हो जाता, पैराबोलिक हो जाता। उसकी भी बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। ये हो सकता है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आपने देख लिया हो अच्छे से। अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर इसी कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड की जगह UDL लिख देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ UDL, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बना दिया इस प्रकार से, ये UDL और इसको मैं लिख दिया W पर यूनिट लेंथ, ये L लिख दी। तो हमने कहा कि अब फ्री एंड पे नहीं है, हमने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। WL हो गया पॉइंट लोड का मतलब। अगर हम इसका शेयर फोर्स निकालें सबसे पहले, तो शेयर फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो जितना इस प्रकार से शेयर फोर्स होगा, क्योंकि इसको हम एक सेक्शन से कटआउट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस सेक्शन से कटआउट कर दिया, ये एक्स है। इस प्रकार से मान के चलिए कि इस पॉइंट से ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे मान लीजिए हम, तो उससे पहले अगर इस सेक्शन तक पॉइंट नंबर सी से लेकर और बी तक अगर मैं इसका लोड देखूं कि लोड की वैल्यू क्या है, तो हम लोड की वैल्यू देखेंगे W इंटू एक्स होगी। लेकिन जब लोड की वैल्यू टोटल लेंथ के लिए लेंगे तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि W इंटू जीरो। लेकिन जब लोड एक्स की वैल्यू L हो जाएगी तो लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W इंटू L, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसके लिए शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स क्या हो गया, टोटल लोड। शेयर फोर्स तो जो हमने पॉइंट लोड कन्वर्ट किया था वही हो गया W इंटू एक्स, पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमने कहा कि भाई चूंकि ये जो लोड है वो अलोंग द लेंथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब लीनियर वेरिएशन है इसका, तो शियर फोर्स का भी क्या है, लीनियर वेरिएशन। तो हम कहेंगे सेकंड पॉइंट लगाकर लीनियर वेरिएशन अलोंग द लेंथ, ठीक है। इट मींस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन शियर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू एल शियर फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल, यही होगा। जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट तो मैंने आपको बताया था जब हम UDL की बात कर रहे थे, तो टोटल लोड तो ये हो गया, लेकिन ये एक्ट कौन सी कितने डिस्टेंस पर करता है, एक्ट ये करता है अगर यहाँ से बात करें तो x/2 डिस्टेंस पर, मतलब हाफ डिस्टेंस पर, और UVL की बात करें तो वो L/3 डिस्टेंस पर लाई करता है, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम बात करें तो इस सेक्शन के लिए, मात्र इस सेक्शन के लिए बात करते हैं, CB सेक्शन के लिए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है तो x/2 डिस्टेंस पर ही लाई करेगा, और टोटल लोड कितना था WX। तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WX/2, ठीक है ना, WX into x/2, ठीक है ना, into x/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x/2x, तो टोटल डिस्टेंस है, तो ये हो गया WX²/2, ठीक है। और ये भी आएगा नेगेटिव, ये भी क्या है, अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, -WX²/2। और इसके लिए भी लिखेंगे लीनियर, सॉरी ये लीनियर वेरिएशन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, चूंकि ये क्या UDL है इसलिए पैराबोलिक वेरिएशन करेगा, पैराबोलिक वेरिएशन अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू जीरो होगी तो यहां से इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी।
जब x की वैल्यू l हो जाएगी तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। बस हमारे पास में sf की वैल्यू है, शियर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जब हम सबसे पहले तो पॉइंट नंबर x इज इक्वल टू जीरो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जीरो हो गई, ठीक है। और डब्ल्यू एल इसके लिए ये कौन सी रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ से जीरो हो गई। और मैक्सिमम कंडीशन जो x की वैल्यू l है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या कहा था, लीनियर वेरिएशन है, तो ये वैल्यू ये जो लाइन है वो लीनियर शो होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ लेंथ, ठीक है। जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट में हमने एक लाइन ड्रॉ की जो एक्सिस लाइन होगी, एक पॉइंट जहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी जीरो रहेगी, और जब एक्स की वैल्यू एल है, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो इसको इस प्रकार से शो करते हैं और थोड़ा सा इसको कर्वेचर बना देते हैं, मतलब एक पैराबोला टाइप बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसकी वैल्यू जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, ये हो गई नेगेटिव और ये भी हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो केस थे, सबसे पहले हमने देखा पॉइंट लोड के लिए और दूसरा हमने देखा यूडीएल के लिए। इस प्रकार से ये हो गया एस एफ डी सीएफ फोर डायग्राम और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि ये तो क्या है, अभी बेसिक स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन करेंगे हम, अगली क्लास होगी उसमें इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके बाद सिंपली सपोर्टेड के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो है एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करेंगे, तो उसके बाद कंटिन्यूस बीम के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार से फ्लिक्स्ड बीम के लिए ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर हमको तुरंत याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर डब्ल्यू है तो इतना फोर्स, शियर फोर्स हो गया और बेंडिंग मोमेंट इसका इतना हो गया, मल्टीप्लाई लेंथ कर दीजिए अगर पॉइंट लोड का केस है तो, ठीक है ना, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ख़ासकर मैं उनसे कहूँगा जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी आता है ये, और हम इसको एडवांस मैकेनिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में ही आता है क्योंकि बेसिक जो है वो मैकेनिक्स है। तो आप देखिए इसको, वीडियो को अच्छे से, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।